अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस को करेंगे संबोधित। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 9:15 बजे होगा पीएम मोदी का भाषण। वॉशिंगटन में भारत अमेरिकी बिजनेस काउंसिल में पीएम मोदी ने कहा, भारत बाजार से ज्यादा मानव प्रतिभा का खजाना, भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार का दिया हवाला। अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति ओबामा और पीएम मोदी ने पहले मिलाया हाथ, फिर मिले गले। मोदी ने भी ओबामा की जमकर की तारीफ। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और मिसाइल टेक्नोलॉजी के समर्थन पर जताया आभार। ओबामा ने शानदार नेतृत्व के लिए मोदी का किया धन्यवाद। कहा, सितंबर में G20 सम्मेलन में फिर होगी मुलाकात। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करने पर स्विट्जरलैंड और अमेरिका की रजामंदी से चीन। कहा, विश्व के तमाम देश इस पर असहमत। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को NSG सदस्यता देने पर अभी जारी है चर्चा। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी ने सुरक्षा बल को दी गिदड़ भपकी। जारी किया नया वीडियो संदेश। कहा, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्री और आवाम उसका निशाना नहीं, सुरक्षा बल पर करेंगे हमला। वीडियो संदेश में दहशतगर्द बुरहान ने जारी किया नापाक मंसूबा, लोकल पुलिस पर करना चाहता है हमला। त्रिपुरा में टूटी कांग्रेस, 10 में से 6 विधायकों ने अलग होने का किया ऐलान। त्रिपुरा में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की टीएमसी नेता मुकुल से हुई थी मीटिंग। बागी विधायक स्पीकर को पत्र लिखकर टीएमसी से जुड़ने के लिए सूचना। ग्वालियर में दिखा योग का अनोखा रंग, परम आलय बाबा भक्तों को करा रहे कुंडलिनी जागृत करने की अनोखी साधना। जवाहर बाग मामले में PIL लगाने वाले वकील का चौंकाने वाला खुलासा। कहा, अखिलेश सरकार रामवृक्ष यादव कब्जे वाली जमीन पर 99 साल पट्टा देने की तैयारी में थी। अखिलेश सरकार ने जवाहर बाग पर न्यायिक जांच का दिया आदेश। मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव की मौत पर उठ रहे सवालों पर DM निखिल शुक्ला का बयान। कहा, DNA जांच से स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। वाराणसी में BHU गेट पर गरमाई राजनीति। ISI के बैनर तले जुटे JNU, जादवपुर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नेता गूंजे आजादी के नारे। ISI से जुड़े छात्रों ने लाइब्रेरी की मांग करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, लेकिन प्रदर्शन के दौरान लिफ्ट की एक महिला कार्यकर्ता ने महिला पुलिसकर्मी पर जबरन भड़की। वाराणसी में लंका चौराहे पर ISI के प्रदर्शनकारियों से ABVP प्रदर्शनकारियों की हुई तीखी झड़प। ABVP छात्रों ने की तोड़फोड़। गुजरात के वेरावल शहर में दिन दहाड़े बीमा अफसर पर चाकू से हमला, वारदात CCTV में कैद। बुलंदशहर में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने नर्सिंग होम में किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आसाराम पर लगी यौन शोषण मामले में पीड़िता के पिता ने धमकियां मिलने की शिकायत की। कहा, छोड़ना चाहता हूं यूपी, यहां नहीं हूं महफूज। यूपी के हरदोई में बीती रात थाने के ठीक सामने एक बेकाबू पिकअप ने 3 युवकों को कुचला, तीनों की मौत, गाड़ी पलटने के बाद ड्राइवर फरार। यूपी के सहारनपुर में आर्थिक तंगी के चलते एक मां ने अपने 2 बच्चों समेत पिया जहर, बच्चों की मौत, मां की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। नकली NIA ऑफिसर बनकर सूरत में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला गिरफ्तार। सीनियर IPS से मुलाकात के दौरान पकड़ा गया नकली आई कार्ड बरामद। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार Phase 1 में गाड़ी चोरी की वारदात CCTV में कैद। कार चुराने पहुंचे चोर इनोवा लेकर हुए रफो चक्कर। दिल्ली पुलिस ने किडनी चोरों के इंटरनेशनल रैकेट का किया पर्दाफाश। रैकेट का सरगना सी राजकुमार राव कोलकाता से गिरफ्तार। अपोलो किडनी कांड में पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा। अपोलो हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से हुए किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों का खंगाल रही है ब्यौरा। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 16 में एक शख्स का मिला शव, मृतक लखबीर सरकारी विभाग में था ड्राइवर। दिल्ली पुलिस ने 22 साल के युवक दिलीप की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का किया दावा। मृतक के 3 दोस्तों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। गुड़गांव में 3 साल की मासूम से रेप की कोशिश, पुलिस ने 37 साल के आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में मैट्रिक में फेल होने पर घर भागी लड़की, शादी करके वापस लौटी, घर वाले मृतक समझ कर चुके थे अंतिम संस्कार। दरभंगा में घर से भागने वाली लड़की के लौटने पर उठा सवाल, जिस लड़की के शव का अंतिम संस्कार किया गया वो आखिर थी किसकी। बिहार के रक्सौल में यूपी बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बोलेरो में मिले 15 लाख के जाली नोट,
चार लोग गिरफ्तार। कटिहार पुलिस ने नशे में धुत क्लर्क को किया गिरफ्तार। शराबबंदी के बीच साक्षरता विभाग के दफ्तर में बैठकर पी रहा था शराब। टॉपर्स के गड़बड़ झाले पर आज तक की खबर का असर। FIR दर्ज किए जाने के बाद बिहार बोर्ड के दफ्तर पे SIT का छापा। बिहार में तीनों टॉपर्स के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस। विशन राय कॉलेज का डायरेक्टर बच्चा राय भी सह आरोपी। दिल्ली पहुंची बिहार बोर्ड के टॉपर्स केस की आज। बीजेपी नेता विजय गोयल ने अंकों के आधार पर DU में एडमिशन पर उठाए सवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक HIV पीड़ित महिला के साथ स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी। एक हफ्ते से फर्श पर नग्न लेटी है पीड़िता। जम्मू में पुलिस ने 10 किलो हेरोइन और 10 किलो ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। तंगधार में सरहद पार से ड्रग सप्लाई का शक। गया में हुए आदित्य हत्याकांड की जांच पर आदित्य के परिजनों ने जताया संतोष। कहा अभी तक सब कुछ सही दिशा में हो रहा है, आगे भी ऐसी ही उम्मीद। TV एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी के परिजन प्रत्यूषा की मौत की CBI जांच पर अड़े, चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान। प्रत्यूषा की मां ने दी धमकी, कहा CBI जांच की मांग नहीं माने जाने पर सरकार से मांगेंगे इच्छा मृत्यु। अश्लील मैसेज और आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने के आरोप में घिरे बिग बॉस फेम अभिनेता एजाज खान, एक मॉडल ने लगाया आरोप। मॉडल ने एजाज खान के खिलाफ वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज कराया केस। पुलिस ने एजाज को बुलाकर की पूछताछ। पीएम मोदी को लिखे पत्र से पुणे की रहने वाली 7 साल की बच्ची वैशाली को मिली नई जिंदगी। सरकारी खर्च पर हुआ महंगा इलाज, वैशाली के दिल में था छेद, अब पूरी तरह है ठीक। झांसी में हनुमान सेना के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए PM को भेजा खून के हस्ताक्षर वाला खत। शिविर लगाकर लोगों से लगवाई खून की मुहर। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स एसोसिएशन ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। नर्स की पेशी को बदनाम करने का आरोप। जिम्बाब्वे के लिए रवाना हुई टीम इंडिया। 3 वनडे और 2 T20 मुकाबले की सीरीज। पहला वनडे 11 जून को हरारे में। अभी कप्तानी छोड़ने के मूड में नहीं धोनी। जिम्बाब्वे दौरे पर जाने से पहले मुंबई में पत्रकारों के सवालों के जवाब में बोले धोनी, अभी मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूं।